Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र चल रहा है, वो भी उसी ज़मीन में आज भी बयान करूँगा। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर के मुतालिक़ एक रवायत में आता है कि जब उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद के मतहत यहूदियों और ईसाइयों को यमन से निकाला तो आपने उनकी ज़मीनें ज़ब्त नहीं की बल्कि उनकी ज़मीनें ख़रीदी। मज़ीद फरमाते हैं कि यमन की ज़मीन जो ईसाइयों और यहूदियों के नीचे थी वो खराजी थी, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो ज़मीन यहूदियों और ईसाइयों से ले ली और उनको अरब के जजीरे से निकाल दिया तो बावजूद इसके कि वो ज़मीन खराजी थी और उसूली तौर पर हुकूमत उसकी मालिक समझी जाती थी, उन्होंने वो ज़मीन उनसे छीनी नहीं बल्कि ख़रीदी। चुनांचे फतहुल बारी शरह बुखारी में यह हदीस दर्ज है कि याहिया इब्न सईदिन अन्ना उमरा अजला अहला नजराना वल यहूदा वल नसारा वश्तरा याद अर्ज़हम व कुरूमहम। यानी याहिया बिन सईद रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने नजरान के मुशरिकों और यहूदियों और ईसाइयों को वहाँ से जिला वतन कर दिया और उनकी ज़मीनें और बाग ख़रीद लिए। ये ज़ाहिर है कि यहूदियों की ज़मीन उशरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो उशरी थी तो उसका मालिक कोई मुसलमान होगा, बस यहूदियों से उसके ख़रीदने का कोई सवाल ही नहीं था। वो यकीनन खराजी थी, जैसा कि हिंदुस्तान की ज़मीन को खराजी करार दिया जाता है, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको खराजी करार देकर और हुकूमत को इसका मालिक करार देकर उसको ज़ब्त नहीं किया बल्कि उसको ख़रीदा। शायद कोई कहे कि ज़मीन ना खराजी होगी ना उशरी बल्कि किसी और किस्म की होगी, तो ये ख्याल भी बेहुदा होगा और इस्लामी शरीयत से नावाकफ़ी की अलामत होगा। उशरी और खराजी के सिवा और कोई ज़मीन इस्लाम में नहीं, सवाए इसके कि वो बेकार पड़ी हुई हो और उसका मालिक कोई फ़र्द वाहिद ना हो। बस लाजमन यहूदी और नसरानी और मुशरिक अहले नजरान की ज़मीनें या खराजी थी, नसरानी मुशरिक और मुशरिक अहले नजरान की ज़मीनें या खराजी थी या उशरी थी, मगर दोनों सूरतों में इनका मालिक हज़रत उमर ने उनके काबज़ों को करार दिया और उनसे वो ज़मीनें ख़रीदी गईं। इस्लाम में जंगी कैदियों के अलावा ग़ुलाम बनाने की ममानियत का तज़किरा करते हुए हज़रत मुस्लिम मऊद फरमाता है अल्लाह ताला फरमाता है कि तुरीदूना अरज़ दुनिया, क्या मुसलमानों क्या तुम दूसरे लोगों की तरह ये चाहते हो कि तुम गैर अक़वाम के अफराद को पकड़ कर अपनी ताकत और क़ुव्वत को बढ़ा लो। वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि तुम दुनिया के पीछे चलो, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हें उन अहकाम पर चलाए जो अंजाम के लिहाज से तुम्हारे लिए बेहतर हों और अगले जहान में तुम्हें अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी का मुस्तहिक बनाने वाले हों। और अल्लाह ताला की रज़ा और अंजाम के खुशगवार होने के लिहाज से यही हुक्म तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम सवाए जंगी कैदियों को जिन्हें दौरान जंग में गिरफ़्तार किया गया हो और किसी को कैदी मत बनाओ। गोया जंगी कैदियों के सिवा इस्लाम में किसी किस्म के कैदी बनाने नाजायज़, गोया जंगी कैदियों के सिवा इस्लाम में किसी किस्म के कैदी बनाने जायज़ नहीं। इस हुक्म पर शुरू इस्लाम में सख्ती के साथ अमल किया जाता था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में एक दफ़ा यमन के लोगों का एक वफद आपके पास आया और उसने शिकायत की कि इस्लाम से पहले हमको मसीहियों ने बिला किसी जंग के यूं ही ज़ोर से ग़ुलाम बना लिया था, वरना हम आज़ाद कबीला थे, हमें इस ग़ुलामी से आज़ाद कराया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि गो ये इस्लाम से पहले का वाक़या है, मगर फिर भी मैं इसकी तहक़ीक़ात करूँगा। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई तो तुम्हें फ़ौरन आज़ाद करा दिया जाएगा, लेकिन इसके बरखिलाफ़ मुस्लिम और मुकाबला कर रहे हैं अब आजकल के यूरोप का। ये तो इस्लामी तालीम थी जिस पर अमल करवाया हज़रत उमर ने, या इस बारे में उनको तसल्ली करवाई, लेकिन इसके बरखिलाफ़ यूरोप में क्या होता है। यूरोप अपनी तजारतों और ज़राअतों के फ़रोग़ के लिए 19वीं सदी के शुरू तक ग़ुलामी को जारी रखता चला गया। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस्लाम की तारीख़ से गैर इस्लामी ग़ुलामी का भी पता लगता है, मगर फिर भी ग़ुलामों के ज़रिए से मुल्की तौर पर तजारती और सनती तरक्की करने का कहीं पता नहीं चलता। इस्लाम में कोई तस्वर नहीं। एक दफ़ा उमर के ज़माने में बहुत सख्त कहत पड़ गया। और मदीना और इसके गिरदोनवा में सख्त कहत पड़ा। जब तेज़ हवा चलती तो राख की तरह मिट्टी को उड़ाती थी। इस वजह से इस साल का नाम आमुर रमादा, राख का साल, रख दिया गया। औफ बिन हारिस अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उस साल का नाम आमुर रमादा यानी राख का साल रखा गया, इसलिए कि सारी ज़मीन बारिश ना होने की वजह से स्याह होकर राख की मुशाबे हो गई थी, और ये कैफियत 9 माह रही। हिजाम बिन हिशाम अपने वालिद से रवायत करते हैं कि 18 हिजरी में लोग जब हज से वापस हुए तो उन्हें सख्त तकलीफ़ पहुंची। मुल्क में खुश्क साली फैल गई, मवेशी हलाक हो गए और लोग भूख से मरने लगे, यहाँ तक कि लोग बोसीदा हड्डियों का सफूफ पीस कर उसको पानी में डालकर पीने लगे और चूहों वगैरह के बिलों को खोदते और उसमें जो होता उसे निकालने लगे। हज़रत इब्ने उमर से रवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत अमर बिन आस की तरफ आमुर रमादा में ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे उमर अमीरुल मोमिनीन की तरफ से आसी बिन आसी के नाम, तुम पर सलामती हो। अम्मा बात, क्या तुम मुझे और उन लोगों को मरता हुआ देखना चाहते हो जो मेरे पास हैं, और तुम ज़िंदा हो, और वो लोग जो तुम्हारे पास हैं वो भी ज़िंदा हों? क्या कोई मदद करने वाला है? फिर आपने 3 दफ़ा लिखा उस पर मदद मदद मदद। इसके जवाब में हज़रत अमर बिन आस ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके बंदे की तरफ, अम्मा बाद, आपके पास मदद पहुंच गई, कुछ देर इंतज़ार फरमाएं, मैं आपकी तरफ ऊँटों का एक काफ़िला भेज रहा हूं, जिसका पहला ऊँट आपके पास होगा और उसका आखिरी ऊँट मेरे पास होगा। यानी इतना बड़ा काफ़िला होगा, एक कितार होगी लंबी। वाली मिस्र हज़रत अमर बिन आस ने अनाज और गले के 1000 ऊँट भेजे, घी और कपड़े वगैरह इसके अलावा थे। वाली इराक़ हज़रत साद ने 3000 ऊँट अनाज और गले के भेजे, कपड़े वगैरह इसके अलावा थे। वाली शाम हज़रत अमीर मुआविया ने 2000 ऊँट गले के भेजे और कपड़े वगैरह उसके अलावा थे। जब पहला गला आया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम से फरमाया, तुम काफ़िले को रोक कर अहले बादिया की तरफ फेर दो, गाँव के रहने वाले हैं इनकी तरफ फेर, उनको पहले दो और उन लोगों में तकसीम कर दो। बखुदा मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत के बाद इससे अफसल कोई शय तुम्हें हासिल ना हुई होगी। इसके बोरों से लिहाफ बना दो जिसे वो लोग पहने, और ऊँटों को उनके लिए ज़िबा कर देना, वो लोग गोश्त खाएँ और उसकी चिकनाई उठा कर ले जाएँ। तुम इंतज़ार ना करना कि वो कहें कि हम लोग बारिश के आने तक इंतज़ार करेंगे। वो लोग आटा पकाएं और जमा करें, यहाँ तक कि अल्लाह उनके लिए कशादगी का हुक्म लाए है। हज़रत उमर यानी कुछ पकाएँ खाएँ और कुछ जो है वो स्टोर भी कर लें। हज़रत उमर खाना तैयार करवाते और इस उनका मनादी ऐलान करता कि जो शख्स चाहता है कि वो खाने के वक्त हाज़िर हो और खाना चाहे तो वो ज़रूर ऐसा करे, और जो पसंद करता है कि जो खाना उसके लिए और उसके घर वालों के लिए किफ़ायत करे तो आए और वो ले जाए। हज़रत उमर लोगों को शरीद रोटी को तोड़कर शोरबे में डालकर खाना जो है तैयार होता है खिलाते थे। ये रोटी होती थी जिसके साथ जैतून का सालन होता था जो फ़ौरन देगों में पकाया जाता था। ऊँट ज़िबा किए जाते थे। हज़रत उमर भी सब लोगों के साथ मिलकर खाते थे जिस तरह वो खाते थे। अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन असलम अपने दादा असलम से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर मुसलसल रोज़े रखते रहे। आमुर रमादा के ज़माने में शाम के वक्त हज़रत उमर के पास रोटी लाई जाती जो जैतून के तेल के साथ मिली होती थी। लोगों ने एक रोज़ ऊँट ज़िबा करके लोगों को खिलाए। उन्होंने हज़रत उमर के लिए उमदा हिस्सा रख लिया। जब हज़रत उमर के पास वो हिस्सा लाया गया तो इसमें कोहान और कलेजी के टुकड़े थे। हज़रत उमर ने दरियाफ़्त फरमाया कि ये कहाँ से आए, तो बताया गया कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये उन ऊँटों से है जो आज हमने ज़िबा किए थे। आपने फरमाया अफसोस अफसोस, मैं क्या ही बुरा निगरान होऊंगा अगर इसका अच्छा हिस्सा मैं खाऊं और लोगों को इसका रद्दी हिस्सा खिलाऊं। ये प्याला उठा लो और हमारे लिए इसके अलावा कोई और खाना लाओ। चुनाचे रोटी और जैतून का तेल लाया गया। आपने रोटी अपने हाथ से तोड़ी और इसे शरीद बनाया। फिर आपने अपने ग़ुलाम से फरमाया ए यरफ़ा, तुम्हारा भला हो, ये प्याला समक में घर वालों के पास ले जाओ। समक भी मदीना के करीब खजूरों का एक बाग था जिसके मालिक हज़रत उमर थे। उन्होंने इस बाग को वक्फ़ किया हुआ था। फरमाया कि 3 दिन से मैंने हज़रत उमर ने फरमाया कि 3 दिन से मैंने उनको कुछ नहीं दिया और मेरा ख़्याल है कि खाली पेट होंगे, ये उनके सामने पेश कर दो। हज़रत इब्ने उमर से मरवी है कि कहत के दिनों में हज़रत उमर ने एक नया काम किया जिसे वो ना किया करते थे। वो ये था कि लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाकर अपने घर में दाखिल हो जाते और आखिर शब तक मुसलसल नमाज़ पढ़ते रहते। फिर आप बाहर निकलते और मदीने के अतराफ़ में चक्कर लगाते रहते। एक रात सहरी के वक्त मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि अल्लाहुम्मा ला तजल हलाका उम्मत मुहम्मदिन अला यदैया, ए अल्लाह मेरे हाथों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हलाकत में न डालना। मोहम्मद बिन याहिया बिन हब्बान बयान करते हैं कि कहत के अयाम में हज़रत उमर के पास एक दफ़ा चर्बी में डूबी हुई रोटी लाई गई। आपने एक बदी को अपने पास बुलाया और वह आपके साथ बैठकर खाना खाने लगा। वो जल्दी जल्दी प्याले के किनारों से चर्बी लेने लगा। उस पर हज़रत उमर ने फरमाया तुम तो ऐसे खा रहे हो जैसे कभी चर्बी नहीं देखी। उसने कहा बेशक मैंने कई दिनों से ना घी खाया है और ना जैतून और ना ही किसी को ये खाते देखा है। ये बात सुनकर हज़रत उमर ने कसम खाई कि वो ना तो गोश्त चखेंगे और ना ही घी, यहाँ तक कि लोग पहले की तरह खुशहाल हो जाएं। इब्ने ताउस अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर ने ना गोश्त खाया और ना ही घी, यहाँ तक कि लोग खुशहाल हो गए। और घी वगैरह ना खाने और सिर्फ तेल खाने की वजह से आपका पेट गुड़गुड़ाता था। आप कहते यानी अपने मुखातब करके पेट को कि तुम गुड़गुड़ाते रहो, अल्लाह की कसम तुम्हें कुछ और नहीं मिलेगा ता वक्त कि लोग खुशहाल ना हो जाएं और पहले जैसा खाना शुरू न कर दें। एयाज़ बिन खलीफ़ा कहते हैं कि मैंने कहत के साल हज़रत उमर को देखा, आपका रंग स्याह हो गया था, हालांकि पहले आपका रंग सफ़ेद था। हम कहते ये कैसे हुआ, तो रावी ने बताया कि हज़रत उमर एक अरबी आदमी थे, वो घी और दूध का इस्तेमाल करते थे। जब लोगों पर कहत आया तो उन्होंने ये चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लीं, यहाँ तक कि लोग खुशहाल हो जाएं। हज़रत उमर ने तेल के साथ खाना खाया जिससे आपका रंग तब्दील हो गया, और जब फाका कशी की तो ये रंग मज़ीद तब्दील हो गया। उसामा बिन ज़ैद बिन असलम ने अपने दादा से रिवायत की कि हम लोग कहा करते थे कि अगर अल्लाह ने कहत रफ़ा न किया तो हज़रत उमर मुसलमानों की फ़िक्र में मर ही जाएंगे। ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि कहत के ज़माने में सारे अरब से लोग मदीना आए। हज़रत उमर ने लोगों को हुक्म दिया था कि उनका इंतज़ाम करें और उन्हें खाना खिलाएँ। मदीने के चारों तरफ हज़रत उमर ने मुख्तलिफ़ असाब की ड्यूटी लगा दी थी, जो एक एक लम्हा की ख़बर शाम को जमा होकर आपको देते थे। सुबह से लेकर शाम तक जो ख़बरें भी होती थी, शाम को आपके पास लाई जाती थी, आपको पहुँचाई जाती थी वो ख़बर। मदीना के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बदवी लोग आए हुए थे। एक रात जब लोग रात का खाना खा चुके तो हज़रत उमर ने फरमाया कि जिन्होंने हमारे साथ रात का खाना खाया है उनका शुमार करो। चुनांचे उनका शुमार किया गया तो 7,000 के करीब अफराद थे। फिर आपने फरमाया कि जो नहीं आए उन्हें और मरीज़ों और बच्चों को भी शुमार करो। जब गिनती की गई तो वो 40,000 की तादाद थी। चंद दिन बाद ये तादाद बढ़ गई, दोबारा गिनती की गई। जो लोग आपके साथ खाना खा रहे थे उनकी तादाद 10,000 और दूसरों की तादाद 50,000 हो गई। इसी तरह सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने बारिश नाज़िल फरमा दी। जब बारिश हुई तो मैंने हज़रत उमर को देखा कि आपने अपने आमिलीन को हुक्म दिया कि सब लोगों का उनके अपने अपने इलाके में वापसी का इंतज़ाम करें और उन्हें गल्ला और सवारियाँ भी मुहैया करें। रावी कहते हैं मैंने देखा कि हज़रत उमर बनफ़्स नफीस उन लोगों को रवाना करने के लिए आते थे। जब हालात ठीक हो गए, इर्द गिर्द लोग आ गए थे भूख से तंग आके शहर में, खाना उनको मिलता था यहाँ। जब हालात ठीक हो गए, बारिशें हो गई और ज़रात वगैरह हो सकती थी, तो फिर आपने कहा वापस जाओ और मेहनत करो और अपने खेतों को आबाद करो। तारीख़ तबरी में इस कहत के ख़त्म होने के मुताबिक लिखा है कि एक शख्स ने ख्वाब देखा जिसके मुताबिक आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर हज़रत उमर ने लोगों में ऐलान कराया कि नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाएगी। हज़रत उमर ने फरमाया मुसीबत अपने इंतहा को पहुँच चुकी और अब इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाली है। जिस कौम को दुआ की तौफीक मिल गई बस समझ लेना चाहिए कि उनकी मुसीबत दूर हो गई। आपने दीगर शहरों के गवर्नरों के नाम तहरीर फरमाए कि तुम मदीना और इनके अतराफ़ के बंदगाने खुदा के लिए ख़त तहरीर फरमाए उनको कि तुम मदीना और इनके अतराफ़ के बंदगाने खुदा के लिए नमाज इस्तिस्का पढ़ो, क्योंकि वो मुसीबत की इंतहा को पहुँच गए। हज़रत उमर ने मुसलमानों को नमाज इस्तिस्का के लिए बाहर मैदान में जमा किया और हज़रत अब्बास को लेकर हाज़िर हुए। मुख्तसर खुतबा पढ़ा और नमाज पढ़ाई, फिर दो जाना होकर बैठे और दुआ शुरू की। अल्लाहुम्मा इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वरहमना वर्ज़ा अन्ना। ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद के ख्वाह हैं। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम कर और हमसे राज़ी हो जा। इसके बाद आप वापस लौटे। अभी घर नहीं पहुंच पाए थे कि मैदान में बारिश की वजह से तालाब बन गया। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर ने दुआ करते हुए अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम पर खुशहाली होती तो हम तेरे नबी के वास्ते बारिश की दुआ किया करते थे, तो तू हम पर बारिश बरसाता था। आज हम तुझे तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का वास्ता देकर दुआ कर रहे हैं, बस तू हमारी ये कहत साली ख़त्म कर दे और हम पर बारिश नाज़िल फरमा। चुनांचे लोग अभी अपनी जगहों से हटे ना थे कि बारिश बरसनी शुरू हो गई। अब्दुल्ला बिन इब्राहिम फिर मस्जिद नबी में यह ज़िक्र आता है कि चटाइयाँ बिछाने का सिलसिला कब शुरू हुआ। पहले लोग इसी तरह नमाज़ पढ़ते थे और फर्श पे या कच्ची जगह पे नमाज पढ़ते थे, माथे पर मिट्टी लग जाया करती थी। उसके बाद फिर चटाइयों का रिवाज हुआ। इस बारे में अब्दुल्ला बिन इब्राहिम से रिवायत है कि सबसे पहले मस्जिद नबी में जिसने चटाई बिछाई वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे। पहले लोग जब अपना सर सजदे से उठाते तो अपने हाथ झाड़ा करते थे। इस पर आपने चटाइयाँ बिछाने का हुक्म दिया जो अकीक से लाई गईं और मस्जिद नबी में बिछाई गईं। अकीक भी एक वादी का नाम है जो मदीना के जनूब मगरिब से शुरू होकर शुमाल मगरिब तक तकरीबन 150 किलोमीटर तक फैली हुई वादी है, बहुत बड़ी वादी कहते हैं। हज़रत उमर के ज़माने में 17 हिजरी में मस्जिद नबी की तोसी भी हुई थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद कच्ची ईंटों से बनी हुई थी जिसकी छत खजूर की टहनियों और पत्तों से बनी हुई थी और सतून खजूर के तनों के थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको इसी हाल में रहने दिया और इसमें कोई तोसी या तब्दीली न की। हज़रत उमर ने इसकी तामीर नौ और तोसी करवाई मगर इसकी हैत और तर्ज़ तामीर में कोई तब्दीली न कराई। उन्होंने भी उसे उसी तरह के तर्ज़ तामीर से बनवाया। छत पहले की तरह खजूर के पत्तों ही की रही, उन्होंने सिर्फ सतून लकड़ी के डलवा दिए। हज़रत उमर ने 17 हिजरी में मस्जिद की तामीर को अपनी ज़ेर निगरानी मुकम्मल करवाया। इस तोसी के बाद मस्जिद का रकबा 100 ज़रब 100 ज़रा यानी तकरीबन 50 ज़रब 50 मीटर से बढ़कर 140 ज़रब 120 ज़रा तकरीबन 70 ज़रब 60 मीटर हो गया। इस रवायत से ज़ाहिर होता है कि हज़रत अबू बकर के दौर में भी मस्जिद नबी वही रही जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में थी। ताहम हज़रत उमर की तामीर नौ के साथ इसमें काफ़ी तोसी हो गई थी। अबू सईद खुदरी की रवायत है कि हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि मस्जिद नबवी की तामीर नौ की जाए और लोगों को बारिश से बचाने का बंदोबस्त किया जाए, ताहम सुर्ख व सफ़ेद तज़ीन से इज्तनाब किया जाए क्योंकि यही तज़ीन इंसान को मसाइब में दो चार कर देती है। हज़रत उमर ने किफ़ायत शारी से काम लिया और मस्जिद को उसी तर्ज पर उसवार किया जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में हुआ करती थी। मस्जिद की तोसी करते वक्त उन्हें इससे मुल्क मकानात हासिल करने पड़े जो कि शुमाल, जनूब और मगरबी जानिब थे। कुछ लोगों ने बरदा और रगबत अपनी ज़मीनें मस्जिद के लिए हिबा कर दी और कुछ के लिए हज़रत उमर को अफ़ाम तफ़ीम और माली तरगीब का तरीका इख्तियार करना पड़ा। इस तरह कुछ ज़मीन आपको ख़रीद कर मस्जिद में शामिल करना पड़ी। हज़रत उमर के ज़माने में मरदमशुमारी का रिवाज भी शुरू हुआ या आपने करवाई और राशनिंग सिस्टम भी खुराक के लिए मुकर्रर हुआ। इस बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखा है कि इस्लामी हुकूमत इस ज़िमन में कि इस्लामी हुकूमत का नज़्म व नस्क किस तरह चलता था और क्या क्या तब्दीलियाँ हुईं, क्या क्या नई बातें पैदा हुईं, शुरू की गईं इंतज़ामी मामलात में। अब लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में आकर पहला काम यही किया था कि जायदाद वालों को बेजायदाद वालों का भाई बना दिया। अंसार जायदादों के मालिक थे और महाजर बेजायदाद थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और महाजरीन दोनों में मुआखात कायम फरमा दी और एक एक जायदाद वाले को एक एक बेजायदाद वाले से मिला दिया। और इसमें बाद लोगों ने इतना गुलव किया कि दौलत तो अलग रही बाज़ की अगर 2 बीवियाँ थीं तो उन्होंने अपने मुहाजिर भाइयों की खिदमत में ये पेशकश की कि वो उनकी खातिर अपनी एक बीवी को तलाक देने को तैयार हैं, वो उनसे बेशक शादी कर लें। ये मसावात की पहली मिसाल थी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जाते ही कायम फरमाई क्योंकि हुकूमत की बुनियाद दरअसल मदीने में ही पड़ी थी। उस ज़माने में ज़्यादा दौलतें न थीं, यही सूरत थी कि अमीर और गरीब को इस तरह मिला दिया जाए कि हर शख्स को खाने के लिए कोई चीज़ मिल सके। फिर एक जंग के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़ को इस्तेमाल फरमाया, गो इसकी शक्ल बदल दी। एक जंग के मौके पर आपको मालूम हुआ कि बाज़ लोगों के पास खाने की कोई चीज़ नहीं रही, या अगर है तो बहुत कम और बास के पास काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये सूरत हाल देख कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जिसके पास जो कोई चीज़ है वो ले आए और एक जगह जमा कर दी जाए। चुनांचे सब चीज़ें लाई गईं और आपने राशन मुकर्रर कर दिया। गोया यहाँ भी वही तरीका आ गया कि सबको खाना मिलना चाहिए। जब तक मुमकिन था सब लोग अलग अलग खाते रहे, मगर जब ये अमर नामुमकिन हो गया और ख़तरा पैदा हो गया कि बाद लोग भूखे रहने लग जाएंगे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हें अलहदा खाने की इजाज़त नहीं, अब सबको एक जगह से बराबर खाना मिलेगा। ये मौके के मुनासिब के लिहाज से फ़ैसला हुआ था कि सोशलिज़म का या कम्युनिज़म का नज़रिया नहीं कायम किया गया था। बहरहाल सहाबा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर हमने इस सख्ती से अमल किया कि अगर हमारे पास एक खजूर भी होती तो हम उसको खाना सख्त बददियांती समझते थे और उस वक्त तक चैन नहीं लेते थे जब तक उसको स्टोर में दाखिल नहीं कर देते थे। ये दूसरा नमूना था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। जब तक के हालात ख़राब थे उस वक्त तक ये इसी तरह होता था और ये नमूना कायम किया आपने। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दौलत भी आई और ख़जानों के मुँह अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए खोल दिए, मगर अल्लाह ताला चाहता था कि इस बारे में तफसीली निज़ाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी हो, ता लोग ये ना कह दें कि ये सिर्फ़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी, कोई और शख्स उसे जारी नहीं कर सकता। जब दौलतें आ गई तो पुराना निज़ाम जारी हो गया, लेकिन इसका बाद में भी इसको अल्लाह ताला ने जारी करने का इंतज़ाम फरमाया। वो किस तरह अब लिखते हैं कि चुनाचे इधर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से एक नमूना कायम कर दिया और उधर मदीना पहुँचते ही अंसार ने अपनी दौलतें महाजरीन के सामने पेश कर दी। महाजरीन ने कहा, हम ये ज़मीनें मुफ्त में लेने के लिए तैयार नहीं, हम इन ज़मीनों पर बतौर मुज़ारे काम करेंगे और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देंगे। लेकिन ये महाजरीन की तरफ से अपनी एक ख्वाहिश का इजहार था। अंसार ने अपनी जदादों के देने में कोई पसु पेश नहीं किया। ये ऐसी ही बात है जैसे गवर्नमेंट राशन दे तो कोई शख्स ना ले, इससे गवर्नमेंट ज़ेरे इल्ज़ाम नहीं आएगी। यही कहा जाएगा गवर्नमेंट ने राशन मुकर्रर कर दिया था, अब दूसरे शख्स की मर्ज़ी थी कि वो चाहे लेता है या ना लेता। इसी तरह अंसार ने सब कुछ दे दिया। ये अलग बात है कि महाजरीन ने ना लिया। गरज़ अमली तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम अपनी ज़िंदगी में ही शुरू फरमा दिया था। यहाँ तक कि जब बहरीन का बादशाह मुसलमान हुआ तो आपने उसे हदायत फरमाई कि तुम्हारे मुल्क में जिन लोगों के पास गुजारे के लिए कोई ज़मीन नहीं है तुम उनमें से हर शख्स को 4 दिरहम और लिबास गुजारे के लिए दो, ताकि वो भूखे और नंगे न रहें। इसके बाद मुसलमानों के पास दौलतें आनी शुरू हो गईं। चूँकि मुसलमान कम थे और दौलत ज़्यादा थी, इसलिए किसी ने नए कानून के इस्तेमाल की उस वक्त ज़रूरत महसूस न हुई, क्योंकि जो ज़रूरत गरज थी वो पूरी हो रही थी। असूल ये है कि जब ख़तरा हो तब कानून जारी किया जाए और जब ना हो उस वक्त इजाज़त है कि हुकूमत इस कानून को जारी करे या ना करे। फिर जो मैं पहले जो बात से शुरू की थी, जो बयान करना चाहता था, बीच में दूसरी तफसील आ गई। अब ये है वो बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये निज़ाम किस तरह जारी हुआ। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए और मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ़ गोशों में फैलने शुरू हुए तो उस वक्त गैर कौमें भी इस्लाम में शामिल हो गईं। अरब लोग तो एक जत्था और एक कौम की शक्ल में थे और वो आपस में मसावात भी कायम रखते थे। जब इस्लाम मुख्तलिफ़ गोशों में पहुँचा और मुख्तलिफ़ कौमें इस्लाम में दाखिल होनी शुरू हुई तो उनके लिए रोटी का इंतज़ाम बड़ा मुश्किल हो गया। आखिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम लोगों की मर्दमशुमारी कराई और राशनिंग सिस्टम कायम कर दिया जो बनु उमैया के हद तक जारी रहा। यूरोपियन मौरख भी तस्लीम करते हैं कि सबसे पहली मर्दमशुमारी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने करवाई थी और वो ये भी तस्लीम करते हैं कि हज़रत उमर ने ये सबसे पहली मर्दमशुमारी रियाया से दौलत छीनने के लिए नहीं बल्कि उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम करने के लिए जारी की थी। और हुकूमतें तो इसलिए मर्दमशुमारी कराती हैं कि लोग कुर्बानी के बकरे बने और फ़ौजी खिदमत में जा लाएँ, मगर हज़रत उमर ने इसलिए मर्दमशुमारी नहीं कराई कि लोग कुर्बानी के बकरे बने, बल्कि इसलिए कराई कि उनके पेट में रोटी डाली जाए, ये देखा जाए कि कितने लोग हैं और ख़ुराक का कितना इंतज़ाम करना है। चुनांचे मर्दमशुमारी के बाद तमाम लोगों को एक मुकर्रर निज़ाम के मतहत ग़िज़ा मिलती और जो बाकी ज़रूरियात रह जाती उनके लिए उन्हें माहवार कुछ रकम दे दी जाती। और इस बारे में इतनी एहतियात से काम लिया जाता था कि हज़रत उमर के ज़माने में जब शाम फतह हुआ और वहाँ से जैतून का तेल आया बेशुमार, तो आपने एक दफ़ा लोगों से कहा, हर एक को जैतून का तेल मिलने लग गया, तो आपने लोगों से कहा कि जैतून के इस्तेमाल से मेरा पेट फूल जाता है। यानी हज़रत उमर ने को ख़ुद भी मिलता था, उसमें से तेल लेते थे, तो आपने कहा कि जैतून का इस्तेमाल जब मैं करूँ ज़्यादा तो मेरा पेट फूल जाता है, तुम मुझे इजाज़त दो कि मैं बैतुलमाल से उतनी ही कीमत का घी ले लिया करूँ, जितनी कीमत का जैतून है उतनी कीमत का घी ले लिया करूँ, और जैतून क्योंकि मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। गरज ये पहला कदम था जो इस्लाम में लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उठाया गया। और जाहिर है कि अगर ये निज़ाम कायम हो जाए तो इसके बाद किसी और निज़ाम की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि सारे मुल्क की ज़रूरियात की ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, उनका खाना, उनका पीना, उनका पहनना, उनकी तालीम, उनकी बीमारियों का इलाज और उनकी रिहाइश के लिए मकानात की तामीर, ये सब का सब इस्लामी हुकूमत के ज़िम्मे होगा। और अगर ये ज़रूरियात पूरी होती रहें तो किसी बीमा वगैरह की ज़रूरत नहीं रहती। बीमे इसलिए लोग करवाते हैं ना कि बाद में हमने बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाएँ या अपनी ज़रूरियात जब कमाई नहीं कर सकते ज़रूरियात पूरी कर सकें बुढ़ापे में, तो अगर हुकूमत ये ज़िम्मेदारी ले ले तो फिर किसी बीमे की ज़रूरत नहीं रहती। फिर मुस्लिम और देखते हैं कि मगर बाद में आने वालों ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये बादशाह की मर्ज़ी पर मुनसर है, वो चाहे तो कुछ दे और चाहे तो ना दे। और चूँकि अभी इस्लामी तालीम पूरे तौर पर रासख नहीं हुई थी, वो लोग फिर कैसरो किसरा के तरीक़ की तरफ मायल हो गए, जिस तरह दूसरे बादशाह करते थे वही तरीक़ फिर राइज हो गया। इस्लामी हुकूमत के हर शख्स के लिए रोटी कपड़े के इंतज़ाम करने के बारे में मुस्लिम मज़ीद फरमाते हैं कि इस्लामी हुकूमत में जब वो अमवाल की मालिक हुई तो उसने हर एक शख्स की रोटी कपड़े का इंतज़ाम किया। चुनांचे वही बयान हुआ है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब निज़ाम मुकम्मल हुआ तो उस वक्त इस्लामी तालीम के मातहत हर फ़र्द बशर को हर फ़र्द बशर के लिए रोटी और कपड़ा मुहैया करना हुकूमत का ज़िम्मा था, और वो अपने इस फ़र्ज़ को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अदा किया करती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस ग़रज़ के लिए मरदम शुमारी का तरीक़ जारी किया और रजिस्ट्रात खोले जिनमें तमाम लोगों के नामों का इंदराज हुआ करता था। यूरोपियन मुसन्निफ़ीन भी तस्लीम करते हैं, जैसे कि पहले ज़िक्र भी आ चुका है कि मरदमशुमारी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की, पहली मरदमशुमारी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की और उन्होंने ही रजिस्ट्रात का तरीक़ जारी किया। इस मरदमशुमारी की वजह यही थी कि हर शख्स को रोटी कपड़ा दिया जाए, और हुकूमत के लिए ज़रूरी था कि वो इस बात का इल्म रखे कि कितने लोग इस मुल्क में पाए जाते हैं। आज ये कहा जाता है कि सोवियत रशिया ने गुरबा के खाने और उनके कपड़े का इंतज़ाम किया है, हालांकि सबसे पहले इस किस्म का इक़्तिसादी निज़ाम इस्लाम ने जारी किया है। और अमली रंग में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाते थे। हर शख्स की बीवी, उसके बच्चों के नाम और उनकी तादाद दर्ज की जाती थी, और फिर हर शख्स के लिए ग़िज़ा की भी एक हद मुकर्रर कर दी गई थी। ताकि थोड़ा खाने वाले भी गुजारा कर सकें और ज़्यादा खाने वाले भी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खा सकें। तारीख़ों में ज़िक्र आता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्तिदा में जो फ़ैसले फरमाए उनमें दूध पीते बच्चों का ख्याल नहीं रखा गया था और उनको उस वक्त गल्ला वगैरह की सूरत में मदद मिलना शुरू होती थी जब माएँ अपने बच्चों का दूध छुड़ा देती थीं। जैसा गुज़श्ता ख़ुतबे में मैंने बयान किया था, एक रात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों के हालात मालूम करने के लिए गश्त लगा रहे थे कि खेमे में से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ ठहर गए, मगर बच्चा था कि रोता चला जाता था और माँ उसे सबकियाँ दे रही थी ताकि वो सो जाए। जब बहुत देर हो गई तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस खेमे के अंदर गए और औरत से कहा कि तुम बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती, ये कितनी देर से रो रहा है। औरत ने आपको पहचाना नहीं, उसने समझा कोई आम शख्स है। चुनांचे उसने जवाब में कहा कि तुम्हें मालूम नहीं, उमर ने फ़ैसला कर दिया कि दूध पीने वाले बच्चे को गुज़ारा ना मिले। हम गरीब हैं, हमारा गुज़ारा तंगी से होता है। मैंने इस बच्चे का दूध छुड़ा दिया है ताकि बैतुल माल से इसका गल्ला भी मिल सके। अब अगर ये रोता है तो रोए उमर की जान को, जिसने ऐसा कानून बनाया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त वापस आए और रास्ते में नहायत गम से कहते जाते थे कि उमर उमर, मालूम नहीं तूने इस कानून से कितने अरब बच्चों का दूध छुड़वा कर आइंदा नस्ल को कमज़ोर कर दिया। उन सब का गुनाह अब तेरे ज़िम्मे है। ये कहते हुए आप स्टोर में आए, दरवाज़ा खोला और एक बोरी आटे की अपनी पीठ पर उठा ली। किसी शख्स ने कहा लाइए मैं इस बोरी को उठा लेता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा नहीं, गलती मेरी है, अब ज़रूरी है कि इसका खमियाजा भी मैं ही भुगतूँ। चुनांचे बोरी आटे की उन्होंने इस औरत को पहुँचाई और दूसरे ही दिन हुक्म दिया कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन से उसके लिए गला मुकर्रर किया जाए, क्योंकि उसकी माँ जो उसको दूध पिलाती है ज़्यादा गज़ा की मोहताज है। फिर हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं कि इस्लाम ही है जिसने मुल्की हकूक़ भी कायम किए हैं। इस्लाम के नज़दीक हर फ़र्द की खुराक, रिहाइश और लिबास की ज़िम्मेदार हुकूमत है और इस्लाम ने ही सबसे पहले इस असूल को जारी किया है। अब दूसरी हुकूमतें भी इसकी नकल कर रही हैं मगर पूरे तौर पर नहीं। बीमे किए जा रहे हैं, फैमिली पेंशनें दी जा रही हैं, मगर ये कि जवानी और बुढ़ापे दोनों में खुराक और लिबास की ज़िम्मेदार हुकूमत होती है। ये असूल इस्लाम से पहले किसी मज़हब ने पेश नहीं किया। दुनियावी हुकूमतों की मर्दमशुमारियाँ इसलिए होती हैं ता टैक्स लिए जाएँ या फ़ौजी भर्ती के मतलब ये मालूम किया जाए कि ज़रूरत के वक्त कितने नौजवान मिल सकते हैं, मगर इस्लामी हुकूमत में सबसे पहली मर्दमशुमारी जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने के ज़माने में करवाई गई थी, वो इसलिए करवाई गई थी ताकि तमाम लोगों को खाना और कपड़ा मुहैया किया जाए, इसलिए नहीं कि टैक्स लगाया जाए या ये मालूम किया जाए कि ज़रूरत के वक्त फ़ौज के लिए कितने नौजवान मिल सकेंगे, बल्कि वो मर्दमशुमारी महज इसलिए थी कि ता हर फ़र्द को खाना और कपड़ा मुहैया किया जाए। और उसमें कोई शुबा नहीं कि एक मर्दमशुमारी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुई थी, मगर उस वक्त अभी मुसलमानों को हुकूमत हासिल नहीं हुई थी, इसलिए उस मर्दमशुमारी का मकसद महज मुसलमानों की तादाद मालूम करना थी। जो मर्दमशुमारी इस्लामी हुकूमत के ज़माने में सबसे पहले हुई वो हज़रत उमर के ज़माने में हुई और इसलिए हुई ताकि हर फ़र्द को खाना और कपड़ा मुहैया किया जाए। ये कितनी बड़ी अहम चीज़ है जिससे तमाम दुनिया में अमन कायम हो जाता है। सिर्फ ये कह देना कि दरख्वास्त दे दो, इस पर गौर किया जाएगा, उसे हर इंसान की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि दरख्वास्तें मंगवाई जाएँ फिर गौर किया जाए। इसलिए इस्लाम ने असूल मुकर्रर किया है कि खाना और कपड़ा हुकूमत के ज़िम्मे है और ये हर अमीर और गरीब को दिया जाएगा, खा वो करोड़पति ही क्यों ना हो, खा वो आगे किसी और को ही क्यों ना दे दे, ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि उसे इतना ख्याल किया जाता है। जो अमीरों को मिलेगा तो अमीर भी अगर तकवा पे चलने वाले हैं तो फिर आगे वो ज़रूरतमंदों को देंगे बजाय उससे फ़ायदा उठाने के। हज़रत उमर के ज़माने में ममालिक को सूबाजात में तकसीम किया गया। 20 हिजरी में मफूजा ममालक को 8 सूबों में तकसीम फरमाया हज़रत उमर ने, ताकि इंतज़ामी अमूर में आसानी रहे। नंबर 1 मक्का, नंबर 2 मदीना, नंबर 3 शाम, नंबर 4 जज़ीरा, नंबर 5 बसरा, नंबर 6 कूफा, नंबर 7 मिस्र और नंबर 8 फ़लस्तीन। फिर शूरा का क़याम आपके ज़माने में हुआ। मजलिस शूरा में हमेशा लाज़मी तौर पर उन दोनों ग्रोह यानी मुहाजिरीन और अंसार के अरकान शरीक होते थे। अंसार भी 2 कबीलों में मुनक़सिम थे, औस और खज़रज, चुनांचे इन दोनों ख़ानदानों का मजलिस शूरा में शरीक होना ज़रूरी था। इस मजलिस शूरा में हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत उबई बिन काब, हज़रत ज़ैद बिन साबित शामिल होते थे। मजलिस के इनेकाद का ये तरीक़ा था कि पहले एक मुनादी ऐलान करता था कि अस्सलातु जामिया, यानी सब लोग नमाज के लिए जमा हो जाएं। जब लोग जमा हो जाते तो हज़रत उमर मस्जिद नबी में जाकर 2 रकत नमाज पढ़ते थे। नमाज के बाद मेंबर पर चढ़ कर खुतबा देते थे और बहस तलब अमर पेश किया जाता था। उस पर बहस होती थी। मामूली और रोज़मर्रा के कारोबार में इस मजलिस के फ़ैसले काफ़ी समझे जाते थे, लेकिन जब कोई अहम अमर पेश आता था तो महाजरीन और अंसार का इजलास आम होता था और सब के इत्तिफाक से वो अमर तय पाता था। फ़ौज की तनख्वाह, दफ्तर की तरतीब, अमाल का तकर्र, गैर कौमों की तजारत की आज़ादी और उन पर मासूल की तशख़ीस, गरज़ हर किस्म के बहुत से मामलात हैं जो शूरा में पेश होकर तय पाते थे। मजलिस शूरा का इजलास अक्सर ख़ास ज़रूरतों के पेश आने के वक्त होता था। इसके अलावा एक और मजलिस थी, वहाँ रोज़ाना इंतज़ामात और ज़रूरियात पर गुफ्तगू होती थी। ये मजलिस हमेशा मस्जिद नबी में मुनक़िद होती थी और सिर्फ मुहाजिरीन सहाबा इसमें शरीक होते थे। सूबा जात और अज़ला की रोज़ाना ख़बरें जो दरबार खिलाफत में पहुँचती थीं, हज़रत उमर उस मजलिस में बयान करते थे और कोई बहस तलब अमर होता था तो इसमें लोगों से राय ली जाती थी। मजलिस शूरा के अरकान के अलावा आम रियाया को इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत हासिल थी। सूबा जात और अज़ला के हाकिम अक्सर रियाया की मर्ज़ी से मुकर्रर किए जाते थे, बल्कि बाज़ औक़ात बिल्कुल इंतख़ाब का तरीका अमल में आता था। कूफा, बसरा और शाम में जब अमाल खराज मुकर्रर किए जाने लगे तो हज़रत उमर ने इन तीनों सूबों में अहकाम भेजे कि वहाँ के लोग अपनी अपनी पसंद से 1-1 शख्स इंतख़ाब करके भेजें जो उनके नज़दीक तमाम लोगों से ज़्यादा दयानतदार और काबिल हो। आमिलीन की तकर्री और उनके लिए क्या हदायत दी, किस तरह हदायत देते थे हज़रत उमर, इस बारे में लिखा है कि आम खदमात के लिए उहदेदारों की तकर्री शूरा के ज़रिए की जाती, जिन पर सब अरकान इतफ़ाक़ कर लेते। उसका इंतख़ाब कर लिया जाता जिस पर सबका इतफ़ाक़ होता। बाज़ औक़ात सूबे या ज़िले के हाकिम को हुक्म भेजते कि जो शख्स ज़्यादा काबिल हो उसका इंतख़ाब करके भेजो। चुनांचे उन्हीं मुंतखब लोगों को हज़रत उमर आमल मुकर्रर फरमा देते। हज़रत उमर ने अमलीन की ज़्यादा तनख्वाहें मुकर्रर फरमाई थी। ये भी बड़ी हिकमत है ताकि ईमानदारी से ये लोग अपने काम कर सकें, कोई लालच ना हो दुनियावी। हज़रत उमर अहदेदारों को ये नसीहत फरमाते कि याद रखो, मैंने तुम लोगों को अमीर और सख्त गीर मुकर्रर करके नहीं भेजा, बल्कि इमाम बनाकर भेजा है ताकि लोग तुम्हारी तकलीद करें। मुसलमानों के हकूक़ अदा करना उनको ज़्यादा खूब नहीं करना कि वो ज़लील हों। सजाएँ नहीं देनी, बल्कि उनके हक़ अदा करने की कोशिश करनी। किसी की बेजा तारीफ़ नहीं करनी कि वो फितनों में पड़ें। इनके लिए अपने दरवाज़े हमेशा बंद न रखना, कहीं ताकतवर कमज़ोरों को ना खा जाएं। अपने आप को किसी पर तरजीह न देना कि ये उन पर जुल्म है। जो शख्स आमल मुकर्रर होता उससे यह अहद लिया जाता कि वो तुर्की घोड़े पर सवार नहीं होगा, बारीक कपड़े नहीं पहनेगा, चना हुआ आटा नहीं खाएगा, दरवाज़े पर दरबान मुकर्रर नहीं करेगा, ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा दरवाज़े खुले रखेगा। ये हदायत तमाम आमिलीन के लिए थीं और लोगों में पढ़कर सुनाई जाती थी। आमिलीन मुकर्रर करने के बाद उनके माल व असबाब की जांच की जाती थी। अगर आमिल की माली हालत में गैर मामूली तरक्की होती जिसके बारे में तसल्ली न करवा सकते तो उसका मुआवजा किया जाता और जायद माल बैतुल माल में जमा करवा लिया जाता। आमिलीन को हुक्म था कि हज के मौके पर लाजमी जमा हों। वहाँ पब्लिक अदालत लगती जिसमें किसी शख्स को किसी आमल से शिकायत होती तो फ़ौरन उसका अजाला किया जाता। आमिलीन की शिकायत पेश होती, उनकी तहक़ीक़ात के मुतलिक भी एक ओहदा कायम था जिस पर कुबार साहबा होते जो तहक़ीक़ात के लिए जाते और अगर शिकायत सच होती तो आमिलीन का मुआवजा किया जाता। आमिलीन की शिकायत के मुतालिक हज़रत उमर के रवैये का ज़िक्र करते हुए हज़रत मुस्लिम मौद लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ही वाक़या है। कूफे के लोग बड़े बागी थे और वो हमेशा अपने अफसरों के ख़िलाफ़ शिकायतें करते रहते थे कि फ़लाँ काजी ऐसा है, फ़लाँ में ये नक्स है और फ़लाँ में वो नक्स है। हज़रत उमर उनकी शिकायत पर हुकाम को बदल देते और अफसर मुकर्रर करके भेज देते और अफसर दूसरे अफसर मुकर्रर करके भेज देते, बदल देते उनको। बाद लोगों ने कहा, हज़रत उमर को ये भी कहा कि ये तरीक़ दुरुस्त नहीं है, इस तरह बदलते रहेंगे, वो शिकायतें करते रहेंगे, आप बार बार अफसर को ना बदलें। मगर हज़रत उमर ने कहा कि मैं अफसरों को बदलता ही चला जाऊँगा यहाँ तक कि कूफे वाले ख़ुद ही थक जाएँ। जब इसी तरह एक अरसा तक उनकी तरफ से शिकायतें आती रहीं तो हज़रत उमर ने कहा, अब मैं कूफे वालों को एक ऐसा गवर्नर भिजवाऊँगा जो उन्हें सीधा कर देगा। ये गवर्नर 19 साल का एक नौजवान था जो हज़रत उमर ने भेजा सीधा करने के लिए। वो एक 19 साल नौजवान था, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला इसका नाम था। जब कूफे वालों को पता लगा कि 19 साल का एक लड़का उनका गवर्नर मुकर्रर होकर आया है तो उन्होंने कहा, आओ हम सब मिलकर इससे मजाक करें। वो शरीर और शौक़ तो थे ही कूफे के लोग। उन्होंने बड़े बड़े जुब्बा पोश लोगों को जो 70-70, 80-80, 90-90 साल के थे इकट्ठा किया और फ़ैसला किया कि इन सब बूढ़ों के साथ शहर के तमाम लोग मिलकर अब्दुर्रहमान का इस्तकबाल करने के लिए जाएं और मजाक के तौर पर उससे सवाल करें कि जनाब की उम्र क्या है, उससे उम्र पूछें उसकी। जब वो जवाब देगा तो खूब हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे उसका कि छोकरा हमारा गवर्नर बन गया। चुनांचे इसी स्कीम के मुताबिक वो शहर से 2-3 मील बाहर आए उसका इस्तकबाल करने के लिए। उधर से गधे पर सवार अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला भी आ निकले। कूफा के तमाम लोग सफ़े बांध कर खड़े थे और सबसे अगली कतार में बूढ़े सरदारों की थी। जब अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला करीब पहुँचे तो उन लोगों ने पूछा, क्या आप ही हमारे गवर्नर मुकर्रर होकर आए हैं और अब्दुर्रहमान आप ही का नाम है? उन्होंने कहा, हाँ। इस पर उनमें से एक बहुत बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा, जनाब की उम्र? अब्दुर्रहमान ने कहा, मेरी उम्र? तुम मेरी उम्र का अंदाज़ा इससे लगा लो कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को 10,000 सहाबा का सरदार बनाकर भेजा था जिसमें अबू बकर और उमर भी शामिल थे, तो जो उम्र उस वक्त उसामा बिन ज़ैद की थी उससे 1 साल मेरी उम्र ज़्यादा है। ये सुनते ही जैसे ओस पड़ जाती है, वो सब पीछे हट गए, शर्मिंदा होकर पीछे हट गए और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि जब तक ये लड़का यहाँ रहे ख़बरदार तुम ना बोलना वरना ये खाल उधेड़ देगा। चुनांचे उन्होंने बड़े अरसे तक गवर्नरी की और कूफा वाले उनके सामने बोल नहीं सकते थे। फिर मुहासल का निज़ाम हज़रत उमर ने इराक़ और शाम की फतूहात के बाद ख़राज के नज़्म नस्क़ की तवज्जो की, जो ज़मीनें बादशाहों ने मुकामी बाशिंदों से जबरन छीन कर दरबारियों और उमरा को दी थीं वो मुकामी लोगों को वापस दी गईं। और साथ ही हज़रत उमर ने हुक्म जारी फरमा दिया कि अहल अरब जो इन मुल्कों में फैल गए हैं ज़राअत नहीं करेंगे, यानी कि अरब लोग जो हैं वो ज़राअत नहीं करेंगे। उसका एक फ़ायदा था कि जो ज़रात के मतलब तजर्बा मुकामी लोगों का था, अरब उससे वाकिफ़ न थे। मुकामी हर इलाके की ज़रात का अपना तरीका है, तो इसलिए ये हुक्म था कि बाहर के जो आए हुए हैं वो ज़रात नहीं करेंगे, बल्कि ज़रात मुकामी लोग ही करेंगे। खराज पहले लोगों से ज़बरदस्ती लिया जाता था। हज़रत उमर ने खराज के कवायद मरतब करने के बाद खराज की वसूली का तरीक़ भी नहायत नरम कर दिया और नई तरामीम की। ज़िम्मियों का बहुत ख्याल रखते थे। खराज की वसूली के वक्त बाकायदा दरियाफ़त फरमाते किसी से ज़्यादती तो नहीं हुई। ज़िम्मी रियाया से जो पारसी या ईसाई थे उनसे राय तलब करते और उनकी आरा का लिहाज किया करते थे। ज़रात की तरक्की के लिए हज़रत उमर ने बेआबाद ज़मीनों के मुतालिक फरमाया कि जो इनको आबाद करेगा वो उसकी मलकियत होगी। इसके लिए 3 साल का वक्त मुकर्रर किया गया। नहरें जारी की गईं, महकमा आबपाशी कायम किया गया जो तालाब तैयार करवाने वगैरह का काम भी करता था। तो इस तरह ताकि ज़रात बेहतर हो, ये काम थे चंद जो भी मैंने गिनवाए हैं। और ये ज़िक्र हज़रत उमर का चल रहा है, इंशाल्लाह आइंदा बयान होंगे। एक ऐलान भी मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि अहमदिया इंसाइक्लोपीडिया एक बनाई गई है, उसको आज लॉन्च किया जाएगा। मरकज़ी शोबा अहमदिया आर्काइव और रिसर्च सेंटर ने ये बनाई है। कुछ अर्सा पहले इन्होंने इस पर काम का आगाज़ किया था और अल्लाह ताला के फजल से अब ये वेबसाइट अफराद जमात के लिए ऑनलाइन मुहैया की जा रही है। इस तक रसाई जो है वो www.ahmadiyapediya.org पर हो सकती है, जहाँ एक सर्च इंजन की तर्ज पर होम पेज मवाद तलाश करने के लिए खुल जाएगा। उसे नहायत सादा और इस्तेमाल के लिए आसान रखा गया है। जमाती कुतब, शख्सियात, वाक़ियात, अकायद और इमारात के हवाले से बुनियादी मालूमात मुहैया की गई हैं। हर एंट्री के साथ मुतलका वेबसाइट्स, वीडियोज़ और जमाती अखबारात से मज़ामीन के लिंक फराहम किए गए हैं ताकि तफसीली मालूमात इन ज़राए से हासिल की जा सकें। तफसीलात के लिए दिए गए इन लिंक्स का एक फ़ायदा यह भी होगा कि जमात अहमदिया की दीगर वेबसाइट्स तक भी सार्फिन को रसाई हासिल होगी और वह तमाम अखबारात और रसायल से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। दुनिया भर में फैले अहबाब जमात के पास बहुत सी मुफीद मालूमात हैं जो कहीं रिकॉर्ड शुदा नहीं। अहमदीपीडिया की वेबसाइट पर एक ऑप्शन कंट्रीब्यूट के नाम से भी दी गई है, जहां वो किसी भी मौजू पर अपनी मालूमात या शवाहद या दस्तावेज़ात मुहैया कर सकेंगे। ये नहीं कि ख़ुद बराह रास्त डाल दें, बल्कि वो इसकी इंतज़ामिया को मुहैया करेंगे। इस मुहैया करदा मवाद पर तहक़ीक़ और तस्दीक के बाद उसे मुतलका मौजू की एंट्री में शामिल कर दिया जाएगा। इस तरह यह वेबसाइट तमाम जमात के ताउन से जारी और सारी रहने वाला प्रोजेक्ट बनेगी और इंशाअल्लाह हर अहमदी के लिए फ़ायदामंद होगी। अगर किसी को वेबसाइट पर कोई मतलूबा मवाद ना मिले तो वह अहमदीपीडिया से रब्ता कर सकेगा और फिर ये लोग वेबसाइट पर मतलूबा मवाद मुहैया करने का इंतज़ाम करेंगे। फिर ये कहते हैं कि अगरचे तमाम मालूमात मुसद्दक़ा ज़राए से मुहैया की गई हैं, ताहम अगर किसी सार्फ़ के पास ऐसे शवाहिद हों जो किसी भी मालूमात के बरक्स हों तो हमें ऐसे शवाहिद मुहैया करें ताकि बाद तहक़ीक़ जमात की तारीख़ को मुसद्दक़ा तौर पर महफूज करने का इंतज़ाम किया जा सके। इस वेबसाइट की तैयारी के लिए तमाम टेक्निकल मराहल मरकज़ी शोबा IT ने बहुत खूबी से अंजाम दिए हैं और बड़ी मेहनत की है शोबा IT ने इसके लिए, जिसमें इनका मुस्तकिल अमले के अलावा वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। मवाद की तैयारी के लिए मरकज़ी शोबा आर्काइव के मुरब्बियान और वॉलंटियर्स ने बड़ी मेहनत की है और हसूल मवाद, उर्दू से तर्जमा, मवाद की अपलोडिंग वगैरह तमाम कामों में अनथक मेहनत से काम किया इन सब ने, जो भी ये काम करने वाले हैं इस वेबसाइट के लिए। अल्लाह ताला इन सबको जज़ा भी दे और जुमा के नमाज के बाद इंशाल्लाह आज ही मैं इसको लॉन्च भी करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر